गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईपी स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ये टॉपिक रीड करने के लिए दिए थे और ये जो टॉपिक्स हैं चैप्टर 11 में इंसर्ट इनटू कमांड, ये इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रैक्टिकल अभी तक नहीं देखा है, प्रैक्टिकल वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो देख लें कि प्रैक्टिकल किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से टेबल क्रिएट किए जाते हैं और कैसे डेटाबेस क्रिएट होते हैं MySQL में। तो ये मैंने आपको पेजेस उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड रीड करने के लिए दिए थे और इसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे कुछ आपको कमांड्स गिवन है, इनको देखिए सेम आपको एक कमांड बता देती हूँ किस तरह से क्या है। सपोज ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट में क्या है, पॉपुलेट करना है टेबल में फोर्थ रिकॉर्ड। ये जो फोर्थ रिकॉर्ड है ना, ये डालना है आपको MySQL की टेबल में, लेकिन इन्होंने कहा है कि आईडी और फर्स्ट नेम की वैल्यूज डालनी है, सिर्फ फोर और शंकर ये दो वैल्यूज जाएंगी, बाकी आपको क्या करना है, बाकी छोड़ देनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय उन कॉलम्स को मेंशन करेंगे जिनकी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं और जिनकी वैल्यूज आप डालना चाहते हैं, और उन कॉलम्स को इस लिस्ट से स्किप कर देंगे जिनकी वैल्यूज अभी आपको नहीं डालनी है। एम्प्लॉय के बाद वो कॉलम लिस्ट आपको मेंशन करने जिनकी वैल्यूज आपको डालनी है, फिर आप वैल्यूज कीवर्ड यूज करेंगे और इन कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने यहाँ पे लिए हैं इनके लिए वैल्यूज आपने डाल दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेरी है, इसमें क्या है, टू के बजाय थ्री कॉलम्स हैं, थ्री कॉलम्स के लिए आपको वैल्यूज डालनी है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि जब हम इस तरह से रिकॉर्ड एंट्री करेंगे तो वहां पे जो कॉलम्स बच जाते हैं, जो कॉलम्स हमने स्किप कर दिए हैं, उन कॉलम्स में वैल्यू कौन सी इंसर्ट होने वाली है। उन कॉलम्स में बाय डिफॉल्ट हमारे नल वैल्यू इंसर्ट होने वाली है, NULL। ठीक है, ये नल वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी जब हम किसी कॉलम की वैल्यू को स्किप करेंगे। अदरवाइज हम इस एंट्री को कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सीधा हम डाल सकते थे वैल्यूज और यहाँ पे फोर शंकर और कॉमा डाल करके जिन कॉलम्स की वैल्यूज हमारे पास नहीं है बीच बीच में, उनको हम नल यहाँ स्पेसिफाई कर सकते थे। इस तरह से भी हमारे जो टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री होती उनमें जो हमारे पास वैल्यूज नहीं थी उनके लिए यहाँ पे नल अपियर हो जाता। ठीक है, तो ये है इंसर्टिंग डेट्स, आपको बताया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि डेट जो वैल्यू होती है डेटा टाइप की उसका फॉर्मेट रहता है YYMMDD। तो बस ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने रीड करने के लिए दिए थे। इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल, देखिए यहाँ पे आपका एक टॉपिक बन रहा है कि इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल, मतलब एक टेबल आपकी पहले से बनी हुई है, उसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं और उस टेबल से आप क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरी टेबल में लाइक ब्रांच वन में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, एक मेथड तो होता है कि आपको टेबल को पहले से क्रिएट करके रखना है, ब्लैंक टेबल पहले से आपको क्रिएट करके रखनी है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपकी टेबल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, आपको क्रिएट भी ना करने पड़े और उसमें रिकॉर्ड्स भी एंटर हो जाए। तो आपके पास सिर्फ एक ही कमांड गिवन है इंसर्ट इनटू के थ्रू। इंसर्ट इनटू में आप क्या करेंगे, ब्रांच वन वो टेबल क्रिएट किया हमने जिसमें रिकॉर्ड एंट्री हम रिकॉर्ड कॉपी करने वाले हैं, और ये यहाँ पे इसी के साथ एक और कमांड हम यूज कर रहे हैं, साथ साथ कंटिन्यू रखना है कमांड को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच टू। ब्रांच टू वो टेबल है जहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और यहाँ कंडीशन दे रहे हैं हम कि जिनका ग्रॉस जो है 7000 से अबव है वो रिकॉर्ड्स हमारे ब्रांच वन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, देखिए टू पॉइंट्स आपको गिवन है कि इनको आपको माइंड में रखना है, बोथ द टेबल्स मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल मस्ट मैच द कॉलम्स आउटपुट बाय द सब क्वेरी। मतलब कि अगर ब्रांच टू में फोर कॉलम्स हैं तो ब्रांच वन में भी वही फोर कॉलम्स होने चाहिए जो ब्रांच टू में कॉलम्स हैं, तो जो कॉलम्स वाला स्ट्रक्चर है कॉलम्स हैं वो हमारे मिसमैच नहीं होने चाहिए। ये हमारी आउटर क्वेरी है इंसर्ट इनटू और ये हमारी सब क्वेरी है सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो सब क्वेरी में जो कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे मैच होने चाहिए आउटर क्वेरी के अंदर, तो हमारी ये वाली जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसमें आगे आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मेकिंग सिंपल सेलेक्ट क्वेरीज। अब देखिए सिंपल सेलेक्ट क्वेरीज हम यूज करने वाले हैं आज कि किस तरह से हम सिंपल क्वेरीज को परफॉर्म करें। यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है इवेंट टेबल, ठीक है, और एक टेबल हमें गिवन है पेट टेबल। ओके, तो चलिए एक्सेसिंग डेटाबेस वी हैव डन, हाउ टू एक्सेस डेटाबेस मतलब कि हाउ टू ओपन एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस, किसी डेटाबेस को आप ओपन करना चाहते हैं, उसमें वर्क करना चाहते हैं, तो आपको यूज कमांड के साथ डेटाबेस का नेम पुट करना है, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL क्वेरी लैंग्वेज, इसी में हम देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का ही चल रहा है चैप्टर 11 में। यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल देकर के बताया है कि यूज मैनेजीरिया, ये इन्होंने डेटाबेस मैनेजीरिया डेटाबेस जो है ये ओपन किया है
और आपके पास इस तरह से डेटाबेस चेंज इस तरह से मैसेज आता है। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया पिछले दो प्रैक्टिकल्स में, तो इनको ध्यान से देखिए। सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड किस तरह से यूज की जाती है, सेलेक्ट के साथ आप स्टार यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट के साथ आप कॉलम की लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए स्टार यूज करते हैं तो हम जो डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं सभी कॉलम्स का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, और सेलेक्ट के साथ अगर आप कॉमन कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स लेते हैं स्टार की बजाय तो वहां पे आप कुछ कॉलम्स ही डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कि सेलेक्ट नेम कॉमा ऑनर फ्रॉम पेट, पेट टेबल से आप सिर्फ नेम और ऑनर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इस तरह की आउटपुट आपको नजर आएगी, नेम और ऑनर ही डिस्प्ले होंगे। जबकि आप देख सकते हैं कि पेट टेबल में कॉलम्स तो हमारे बहुत सारे हैं, यहाँ पे स्पीशीज है, सेक्स है, बर्थ है, डेथ है, तो हमने सिर्फ दो कॉलम्स डिस्प्ले किए, नेम और ऑनर। अगर आपको सभी कॉलम्स का डेटा डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट के साथ एस्टरिस्क सिंबल यूज करना है, स्टार सिंबल को यूज करना है, ठीक है। फिर है सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, देखिए इसके साथ साथ आपको बता ही दिया है कि सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स के लिए आपको क्या करना है, एस्टरिस्क सिंबल, ये जो स्टार सिंबल आप देख रहे हैं इस स्टार सिंबल को यूज करना है, ओके। फिर देखिए रीऑर्डरिंग कॉलम्स इन क्वेरी रिजल्ट, देखिए पेट टेबल में जो ऑर्डर है कॉलम्स का वो किस तरह से है, नेम है, डेट है, सॉरी नेम ऑनर स्पीशीज सेक्स बर्थ डेट डेट, ये कॉलम्स का ऑर्डर है, मतलब सीक्वेंस ये है कॉलम्स की। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट में इन कॉलम्स का ऑर्डर जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्पीशीज पहले ले रहे हैं, नेम बाद में ले रहे हैं, और फिर सेक्स ले रहे हैं फ्रॉम टेबल पेट से। इसके लिए हमने क्वेरी डाली है सेलेक्ट स्पीशीज कॉमा नेम कॉमा सेक्स फ्रॉम पेट, इस तरह से हम क्वेरी पास करेंगे। जब आप MySQL में क्वेरी इस तरह से पास करेंगे तो उनका ऑर्डर जो है आपको सिर्फ आउटपुट के लिए चेंज नजर आएगा, जो बेस टेबल में उनका ऑर्डर है, बेस टेबल में जो डेटा है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो ये आउटपुट में क्वेरी आप सॉरी क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट नजर आएगी उसमें आपको ये कॉलम्स का जो ऑर्डर है ये चेंज नजर आएगा, जो कि आपने क्वेरी में पास किया था उसी तरह से, पहले स्पीशीज कॉलम है, फिर नेम कॉलम है, और फिर सेक्स कॉलम है। इसी तरह से देखिए ये जो आप देख रहे हैं एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, ये रिडंडेंट डेटा क्या होता है, रिडंडेंट डेटा का मतलब है कि आप अपने कॉलम में से जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उनको आप रिमूव करना चाहते हैं सिर्फ आउटपुट से, नॉट परमानेंटली। तो आउटपुट से आपको अगर रिडंडेंट डेटा को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लोज को, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे, ओके। डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करने के लिए देखिए किस तरह से यूज करेंगे, सपोज सप्लायर टेबल है, सप्लायर टेबल में सिटी जो है, सिटी कॉलम में वैल्यूज जो है रिपीटेड वैल्यूज हैं, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज ही डिस्प्ले हों, वैल्यू रिपीट ना हो, रिपीटेड वैल्यूज डिस्प्ले ना हो, हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि हमारे सप्लायर्स कौन कौन से सिटी के हैं, तो रिपीटेड सिटी को हम आउटपुट से रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटीज, जो कॉलम है जिस कॉलम से उन डिस्टिंक्ट वैल्यूज को आपको उठाना है उससे पहले आप क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर लेंगे, फ्रॉम सप्लायर, फ्रॉम के बाद टेबल का नेम ही हमें यूज करना है। तो इस तरह से देखिए आउटपुट आपकी ये इस तरह से नजर आएगी, जो भी वैल्यूज हैं वो यूनिक नजर आएंगी, यूनिक वैल्यूज अपियर होंगी, कोई भी रिपीटेड वैल्यूज में अपियर नहीं होगी। इसके जो रिवर्स एक और हमारा होता है ऑल, ऑल ऑल क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा कॉलम्स के साथ ऑल ही रहता है, ऑल में क्या रहता है, रिपीटेड वैल्यूज जो है हमारी आउटपुट में डिस्प्ले हो जाती है। अब देखिए स्पीशीज हैं, स्पीशीज वाली टेबल में पहले आपको दिखाती हूँ, ऊपर ये लीजिए स्पीशीज कॉलम, ये देखिए स्पीशीज कॉलम में कैट आपका 2 times आ रहा है, डॉग 3 times आ रहा है, बर्ड 2 times आ रहा है, और स्नेक ये हैमस्टर ये 1 time है। तो आप चाहते हैं कि स्पीशीज चेक करनी है बस कौन कौन सी है, तो रिपीटेड वैल्यूज को आपको क्या करना है, हटाना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए रिपीटेड वैल्यूज को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए आपको फिर से डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज करने, डिस्टिंक्ट क्लोज यूज करने, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट। अब ये जो कॉलम है ये आप ब्रैकेट में भी पुट कर सकते हैं और इसको विदाउट ब्रैकेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए जब आउटपुट आएगी तो इस तरह से आउटपुट आएगी, स्पीशीज के अंडर जो जितने भी स्पीशीज डिस्प्ले हो रही है वो रिपीटेड नहीं है, वो सारी यूनिक वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट क्लोज है और इसके रिवर्स होता है हमारा ऑल, ऑल में क्या रहता है, सभी के सभी वैल्यूज जो है डिस्प्ले हो जाती है, आइदर दे आर रिपीटिंग और नोट। अब देखिए सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, अब यहाँ पे डेली 2 times है तो दोनों बार 2 times अपियर होगा और डिस्टिंक्ट करते तो डेली 1 ही बार अपियर होता। तो ये था हमारा ऑल क्लोज। इसी तरह से हम MySQL में सिंपल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए
सेलेक्ट वन प्लस सिक्स, ये क्या डिस्प्ले करेगा? सेवन। देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वो कैलकुलेशन यूज करने, सेलेक्ट बस इतना डालना है और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है रिजल्ट रिटर्न करेगा। इस तरह से सिंपल कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं अपनी टेबल में। इस तरह से ये सिंपल कैलकुलेशंस आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो सिंपल कैलकुलेशंस को आप अपनी टेबल के डेटा के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसको और आगे नहीं करते हैं, सिर्फ यहीं तक आप आज इसको रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए इन कमांड्स को, सिस्टम है तो सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिए और एक बार अच्छे से इनको गो थ्रू हो जाइए, इन कमांड्स को किस तरह से प्रैक्टिकल किया है। ओके, बाय।